जून को राज्यसभा चुनावों के लिए वोटिंग होनी है। अब इन चुनावों को लेकर महाराष्ट्र में खींचतान मची हुई है, जिसका कारण है भारतीय जनता पार्टी। ऐसा इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र में 6 सीटों के लिए 7 उम्मीदवार मैदान में हैं। ऐसे में 22 साल बाद मतदान के हालात बन गए हैं। बीजेपी ने अपना तीसरा उम्मीदवार उतार कर बाकी दलों का गणित बिगाड़ दिया है और अब अपनी जीत के सपने को साकार करने के लिए बीजेपी सारे जोड़ तोड़ लगा रही है। इतना ही नहीं, अब इसके लिए उसने केंद्रीय जाँच एजेंसियों का सहारा लेना भी शुरू कर दिया है। दरअसल महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और राज्य के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने राज्य चुनाव में वोट डालने के लिए एक दिन की अस्थायी जमानत की मांग की है, जिसके लिए ईडी को अपना जवाब दाखिल करना था। ऐसे में आज प्रवर्तन निदेशालय ने अपना जवाब दाखिल करते हुए जमानत याचिका का विरोध किया है। ईडी ने कहा कि कैदियों के पास जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मतदान का अधिकार नहीं है, यानी ईडी ने यहाँ भी पेच फंसा दिया और बीजेपी ने अपनी चाल चल दी है। गौरतलब है कि विपक्ष हमेशा से आरोप लगाता आया है कि जांच एजेंसियां केंद्र के इशारे पर काम करती हैं। ईडी का जमानत का विरोध करना इस बात पर मोहर भी लगाता है। इन दोनों को जमानत ना मिलने से उद्धव सरकार के 2 वोट कम हो जाएंगे। बता दें कि शिवसेना का उम्मीदवार आसानी से जीत सकता है, ऐसे में बीजेपी को हार का डर सता रहा है और इसलिए बीजेपी हर तरह से जोड़ तोड़ में लगी हुई है और अब इसके लिए एजेंसियों का भी सहारा लेना शुरू कर दिया है। अब बीजेपी की इस चाल से उसे कितना फायदा मिलेगा, ये तो नतीजे ही बतलाएंगे।